Good afternoon, students. This is your English lecture, sorry. So today we are going to start the lesson number 9. Lesson number 9 का topic है आपका singular and plural subjects. लेकिन उससे पहले आप लोगों के vocabulary junction में जो कि page number 43 पर है, page number 43 vocabulary junction. ठीक है? इस junction में आप लोग देख सकते हैं क्योंकि हमने इस chapter में turtle और tortoise के बारे में different पढ़े थे. ठीक है? वो दोनों ही water animal होते हैं. Okay? तो यहाँ पर कुछ वाटर एनिमल्स के नेम लिखे गए हैं, उनसे रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी गई है. सो ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है और समझना है. ठीक है? वाटर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? जेलीफिश, सेल, क्रैब, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, क्लाउन फिश, डॉल्फिन, वेल, स्टार फिश, सा एल एंड लॉबस्टर. ठीक है? सो इनके नेम आप अच्छे से रिमाइंड करेंगे और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 44 और 43 पे उसे कंप्लीट करेंगे. नाउ कम टू द ग्रामर जंक्शन, पेज नंबर 46 पे आपको बताया गया है सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कि जो भी काम आप करते हैं तो उसका जो कर्ता होता है यानी कि करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट. ठीक है? छोटी क्लासेस में आप लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स पढ़े हैं. सपोज एक एग्जांपल अगर दूं तो द गर्ल इज प्लेइंग फुटबॉल. मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझा रही हूँ. ठीक है? सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. तो सेंटेंस हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है यानी कि एक पूरा सेंटेंस सिर्फ दो चीजों से मिलकर बनता है. पहला होता है सब्जेक्ट यानी कि करने वाला. तो जो द वर्ड है जिसमें आप नाउन आइडेंटिफाई कर रहे हो वो क्या आपका सब्जेक्ट. अगर नाउन की जगह यहाँ पर शी होता यानी कि प्रोनाउन आप आइडेंटिफाई करते तो भी वो सब्जेक्ट होता बिकॉज वो सेंटेंस की स्टार्टिंग. इसके बाद इस प्लेइंग फुटबॉल क्या हो गया आपका पूरा प्रेडिकेट यानी कि आगे का सब्जेक्ट. अगर हम इसको टेंसेस के अकॉर्डिंग ले लेंगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया. यानी कि इन्हीं सारी चीजों से मिलकर बनता है पूरा एक सेंटेंस. चाहे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में उसको आइडेंटिफाई कर दें चाहे उसे पूरे टेंस के अकॉर्डिंग ले. ठीक है? अब बात करते हैं हम सिंगुलर और प्लूरल की. तो सिंगुलर आप भी जानते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर दो कॉलम बना दिए, एक बनाया सिंगुलर और दूसरा बनाया प्लूरल. सिंगुलर को हम बोलते हैं एकवचन और प्लूरल को हम कहते हैं बहुवचन. सपोज ये जो गर्ल है ये प्लूरल की जाति क्या हो जाएगी? गर्ल्स. यहाँ बॉय है तो बॉयज, एप्पल है तो एप्पल्स. ठीक है? यानी कि पर्सन्स में भी सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं और थिंग्स में भी होते हैं, इवन एनिमल्स में भी होते हैं. बट एनिमल्स में हम लोग ज्यादातर केस में ऐसे लगता है और कुछ केस में नहीं लगता. जस्ट सपोज अगर यहाँ पर मंकी लिखा हुआ है तो यहाँ पर मंकीज हो जाएगा यानी कि राइट के बाद एस लग जाएगा. बट यहाँ पर अगर शिप लिखा हुआ है तो शिप का शिप ही रहेगा. ठीक है? वो प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होगा. तो ये थोड़ी सी रिमेंबर करने वाली चीजें होती हैं. बट सिंगुलर प्लूरल आया होगा आपको समझ में आ गया है कि सिंगुलर यानी कि एक वचन, एक पर्सन या एक थिंग या एक एनिमल व्हाटएवर जो भी है वो एक होता है यानी कि ओनली वन. एंड द प्लूरल इज मोर देन यानी एक से ज्यादा. ठीक है? अब सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं. टॉपिक पे आप पढ़ रहे होंगे मोस्टली हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में एक्चुअली. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आइडेंटिफाई किए थे. तो इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस प्लस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हो तब वो लगेगा जब आपका सिंगुलर पर डिपेंड सॉरी आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है. फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिया द
डैश Clear to you, have a good day.